हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नॉलेज हंगामा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने यूपी टीयू एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है और अगर आप उसमें काउंसलिंग करवाने वाले हैं तो यूपी टीयू के काउंसलिंग में टोटल कितने प्रोसेस होते हैं। जैसा कि एक वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि इस बार यूपी टीयू का जो काउंसलिंग होगा वो टोटल 3 राउंड में होगा। हर एक राउंड में आपको 5 प्रोसेस करने होते हैं, हर एक राउंड में आपको 5 काम करने होते हैं। तो उन्हीं 5 प्रोसेस के बारे में, उन्हीं 5 काम के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। यूपी टीयू काउंसलिंग में जो आपके 3 राउंड होने हैं, मान लीजिए अगर आप उसके पहले राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें जो आपको पहला काम करना होगा, जो आपका पहला प्रोसेस होगा वो होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वैसे अगर आप किसी कंप्यूटर वाले के यहाँ जाएंगे जो कि पहले से ही यूपी टीयू का काउंसलिंग करता होगा, उसी के यहाँ आप जाएंगे तो वो सबको सही सही से कर देगा। फिर भी अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानते रहेंगे तो आप उसको गाइड कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। अगर वो कहीं पे गलत होता है, कहीं कुछ गलत करने जाता है तो आप उसको गाइड कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको क्या काम करना होता है कि इसमें आपके एप्लीकेशन नंबर की जरूरत लगती है, उसके पासवर्ड की जरूरत लगती है, रोल नंबर की जरूरत लगती है। इसमें आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं उनको अपलोड करते हैं और उसके बाद जो भी काउंसलिंग फीस लगी हुई है उसका पेमेंट करते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं जानते हैं कि इस बार यूपी टीयू काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे हैं, या फिर अगर आप काउंसलिंग फीस के बारे में नहीं जानते हैं कि इस बार टोटल कितनी काउंसलिंग फीस लगी है, तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर इन दोनों वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप यहां से भी देख लीजिएगा। स्टेप 2 जो आपका दूसरा प्रोसेस है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होता है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। ध्यान रहे ये जो सभी काम होंगे वो एक ही दिन हो जाएंगे, मतलब एक ही बार आप कंप्यूटर वाले के यहाँ जाएंगे, ये सभी प्रोसेस एक ही बार में कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोसेस के लिए आपको अलग अलग दिन जाना होगा। स्टेप 3 तीसरे प्रोसेस में आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी होगी, मतलब कौन कौन से कॉलेज आपको चाहिए वो आपको फिलअप करना होगा। कॉलेज आपको यूपीटीयू नहीं देता है, बल्कि आपको कुछ कॉलेज इसमें चुनने होते हैं, उन्हीं में से एक कॉलेज आपको यूपीटीयू देता है। बट जो कॉलेज आप चुन रहे हैं, जो कॉलेज आप फिलअप कर रहे हैं, वो अपने रैंक के अकॉर्डिंग ही फिलअप कीजिएगा, अपने नंबर के अकॉर्डिंग ही फिलअप कीजिएगा। तो आप पता कर लीजिए गूगल से या फिर कहीं और से, आपके पास तमाम सोर्सेज हैं वहाँ से पता कर लीजिए, देख लीजिए कि जो आपका रैंक है, जो आपका नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उसी के अकॉर्डिंग जब आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग वाला प्रोसेस आएगा, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग वाला स्टेप आएगा, उसमें आप अलग अलग कॉलेज फिलअप कर देंगे। इस वीडियो में मैं आपको जिस प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ, जिस स्टेप के बारे में बता रहा हूँ, हो सकता है कि वो कुछ गलत भी हो जाए, क्योंकि मेरे पास काउंसलिंग लेटर नहीं है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक ईमेल आईडी आपको दिया हुआ था और बोला था कि आप लोगों में से अगर किसी के पास काउंसलिंग लेटर है तो उसका पीडीएफ भेज दीजिए, लेकिन आप लोगों में से किसी ने नहीं भेजा है। स्टेप 4 चौथे प्रोसेस में आपके सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, मतलब जो कॉलेज आपने चुना हुआ है, जो कॉलेज उसमें आपने फिलअप किया हुआ है, उनमें से कौन सा कॉलेज आपको मिला है, इसका रिजल्ट आता है चौथे प्रोसेस में। स्टेप 5 पांचवें प्रोसेस में सीट कंफर्मेशन और ऑनलाइन विलिंगनेस बाय द कैंडिडेट्स, मतलब जो आपके सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद रिजल्ट के साथ साथ ही उसमें 3 ऑप्शन शो होते हैं, फ्रीज, फ्लोट, विथड्रॉ। तो उन्हीं में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है। हर एक ऑप्शन का अपना एक अलग अलग मतलब होता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि कौन से ऑप्शन को चूज करने पे क्या होता है, तो इससे रिलेटेड वीडियो पहले ही बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक आई बटन में है या फिर डिस्क्रिप्शन में है। ये 5 ऐसे प्रोसेस हैं, 5 ऐसे स्टेप हैं जो कि हर एक राउंड में होंगे। उसके बाद एक आपका कॉमन स्टेप होगा तीनों राउंड वालों के लिए, वो क्या होगा कि फिजिकल रिपोर्टिंग एट द कॉलेज, मतलब जो कॉलेज आपको यूपीटीयू काउंसलिंग के थ्रू मिला हुआ है उस कॉलेज में आपको जाके वहां पे फिजिकल रिपोर्ट करना होगा। तो यही 6 प्रोसेस हैं, यही 6 स्टेप हैं जो कि आपको यूपीटीयू काउंसलिंग करनी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।